मदर टेरेसा को भी संत की उपाधि तभी मिली थी जब उनके चमत्कार करने के दावे को वेटिकन सिटी ने मान लिया। वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा पूजनीय स्थान है और यहीं पर कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप रहते। रोमन कैथोलिक चर्च के नियमों के मुताबिक ईसाई धर्म में किसी को संत घोषित करने के लिए दो चमत्कार साबित होने जरूरी हैं। दो चमत्कार, हिंदू धर्म में तो बड़ा टेस्ट मीटर लेके घूम रहे हो, वहां तो दो चमत्कार करो तब संत होते हो आप। पहले चमत्कार की पुष्टि के बाद व्यक्ति को ब्लेस्ड यानी धन्य घोषित किया जाता है। दूसरे चमत्कार की पुष्टि के बाद व्यक्ति को सेंट यानी संत घोषित किया जाता है। मदर टेरेसा को उनके निधन के 18 साल बाद 2016 में तत्कालीन पोप ने संत घोषित किया। तब मदर टेरेसा के दूसरे कथित चमत्कार की पुष्टि होने का दावा किया गया। मदर टेरेसा के पहले चमत्कार का दावा 1998 का था और यह पश्चिम बंगाल की एक आदिवासी महिला मोनिका बेसरा की बीमारी से जुड़ा। मोनिका बेसरा के बारे में दावा था कि उन्हें गर्भाशय में ट्यूमर था। उसने कोई कई अस्पतालों और डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन ट्यूमर बढ़ता जा रहा था। फिर वो मदर टेरेसा की मिशनरीज और चैरिटी में गई। वहां पर उन्हें एक दिन मदर टेरेसा की फोटो से तेज रोशनी निकलते हुए दिखी। इसी शाम को मोनिका बेसरा ने मदर टेरेसा की फोटो का लॉकेट पेट पर रखा और प्रार्थना की। उस रात मोनिका बेसरा को महीनों के दर्द से पहली बार निजात मिली। अगली सुबह जब मोनिका बेसरा उठी तो उनका ट्यूमर खत्म हो चुका था और वो मदर टेरेसा के चमत्कार से ठीक हो गई। पहले चमत्कार की पुष्टि के दावे के आधार पर वेटिकन सिटी ने मदर टेरेसा को 2003 में धन्य घोषित कर दिया। मदर टेरेसा के दूसरे चमत्कार का दावा तो और अजीबोगरीब था। यह दावा 2008 का था। यह ब्राजील में मार्सिलियो नाम के एक व्यक्ति की बीमारी से जुड़ा था। मार्सिलियो के बारे में दावा किया गया कि उन्हें मल्टीपल ब्रेन ट्यूमर्स थे। इसका पता चलने पर उनके सिर के पास मदर टेरेसा की फोटो रख दी गई और उनकी पत्नी रोज मदर टेरेसा से प्रेयर करती थी। इसी बीच मार्सिलियो के ब्रेन में फ्लूइड भरने से जब वो कोमा में चले गए और ब्रेन से फ्लूइड निकालने के लिए डॉक्टर सर्जरी की तैयारी कर रहे थे, तब सर्जरी से आधे घंटे पहले ही मार्सिलियो को अचानक होश आ गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। उसके ट्यूमर्स खत्म हो गए। मार्सिलियो की पत्नी के दावे के मुताबिक मदर टेरेसा की प्रार्थना से मार्सिलियो ठीक हो गया। वेटिकन ने इस चमत्कार की पुष्टि करके मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी। इन चमत्कारों के दावे के बारे में भी सवाल उठे, जैसे आदिवासी महिला मोनिका बेसरा के बारे में उसका इलाज करने वाले डॉक्टर रंजन मुस्ताफी ने कहा था कि पहली बात तो उसे कोई ट्यूमर था ही नहीं, बल्कि उसे एक सिस्ट था जो लंबे समय तक चले टीबी के इलाज के वजह से अपने आप ठीक हो गया था, यह डॉक्टर ने कहा। लेकिन इस देश के अंदर मदर टेरेसा जो है वो पूजी जाती है, वो चमत्कार कर सकती है माना जाता है, लेकिन कोई धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार कर ही नहीं सकता बॉस, उनको सिरे से खारिज कर दिया जाता है, उनके टेस्ट शुरू होते हैं। ये क्यों है मैं ये जानना चाहता हूं। क्या सारे चमत्कार का सर्टिफिकेट एक ही धर्म के पास है, दूसरे के पास हो ही नहीं सकता? सनातन धर्म जिसके बारे में इतनी बातें लिखी गई, उसमें जिस तरह से हम योग करते हैं, जिस तरह से साधना करते हैं, वो सब जीरो खत्म, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। पादरी जिस तरह चमत्कार करने का दावा करते हैं, जिस तरह से झाड़फूंक करते हैं, ये सब ईसाई धर्म में सिखाया जाता है और इसका एक बड़ा केंद्र वेटिकन सिटी है जो दुनिया में ईसाई धर्म मानने वालों के लिए सबसे पवित्र जगह है। वेटिकन सिटी में पादरियों को भूत प्रेत भगाने का कोर्स भी कराया जाता है। वेटिकन सिटी में पादरियों को एक्सॉर्सिज्म इस नाम का एक कोर्स कराया जाता है। एक्सॉर्सिज्म का मतलब जादू टोने का कोर्स, एक साल का होता है। इस कोर्स का नाम एंटाइटल्ड एक्सॉर्सिज्म एंड द प्रेयर ऑफ द लिबरेशन कोर्स है। ये कोर्स साल 2005 में शुरू किया गया था। 2018 में 50 देशों के करीब 250 पादरी इस कोर्स के लिए वेटिकन आए थे। इस कोर्स में शैतानी ताकतों को पहचान कर उनसे छुटकारा दिलाने के तरीके सिखाए जाते हैं। कोर्स के दौरान भूत प्रेत हटाने के अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं। वेटिकन में जादू टोने से भूत भगाने के लिए बकायदा नियम है, जिसके तहत भूत प्रेत भगाने के लिए पादरी को खास किस्म का सफेद चोंगा और बैंगनी रंग का स्टोल यानी दुपट्टा पहनना होता है। उसके बाद जिस व्यक्ति पर भूत का साया हो उसे बांधकर उस पर पवित्र जल छिड़का जाता है। इस दौरान पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर कई बार क्रॉस का निशान बनाया जाता है। उसके बाद पादरी बाइबल का पाठ करते हैं और ईसा मसीह का नाम लेकर भूत प्रेत को समर्पण करने के लिए कहते हैं। यह बकायदा सिखाया जाता है बॉस, कोई टेस्ट हो रहा है क्या इनका? हालांकि इस कोर्स को लेकर कई विवाद हुए और वेटिकन पर आरोप लगा कि वो समाज को पीछे ले जा रहा है, जबकि कोर्स के पक्ष में दलील दी जाती है कि लोगों की मांग पर इस कोर्स को शुरू किया। यूरोप में सालाना 10 लाख लोग भूत प्रेत भगाने के लिए चर्च की मदद लेते हैं। इसी वजह से जादू टोना से भूत भगाने का कोर्स शुरू किया गया।